दिस इज़ फॉर यू, ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी लोग अंदर एंटर हो रहे हैं घर में और सिद्धार्थ शहनाज को निहार रहे हैं। जी हाँ, उसके बाद शहनाज भी सिद्धार्थ को निहारती हैं। ये वही सिद्धार्थ शुक्ला हैं जो कभी एकदम रफ़ एंड टफ और एकदम सख्त हुआ करते थे, लेकिन हमारी लड़की क्या मिली कि इतने दीवाने हो लिए, इतने सॉफ्ट हो गए कि बाबा क्या ही कहना। जी हाँ, बटर भी इनके सामने थोड़ा सख्त ही लगेगा। जी हाँ, वैसे ये हर किसी के सामने ऐसे नहीं है, लेकिन हाँ हम शहनाज की बात कर रहे हैं, सबके लिए भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन शहनाज के सामने तो इतना जिसके क्या ही कहने। जी हाँ, शहनाज की हर बात पर हंसना, हर बात पर सिद्धार्थ शुक्ला को हंसी आ जाती है, और अगर शहनाज चुप होती हैं, वो सीरियस होती हैं, तो सिद्धार्थ शुक्ला के चेहरे पर भी उतना ही सेंसिबल लुक आपको दिखाई देता है। शहनाज कुछ गलत करें तो उन्हें समझाने भी जाते हैं, इस तरह से उनके साथ खड़े होते हैं कदम से कदम मिलाकर कि पूरी दुनिया, बिग बॉस का घर तो देखता ही है लेकिन पूरी दुनिया भी देखती रह जाती है। भाई ये वही शुक्ला जी हैं जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये किसी के फ़ोन नहीं उठाते, ये किसी को सॉरी नहीं बोलते, ये किसी को मनाने नहीं जाते, लेकिन अगर शहनाज की बात की जाए तो केस बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर बैठ कर भी सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज को कहते हुए नज़र आए थे कि जब भी तुम्हें, अगर तुम 80 साल की भी हो जाओ, तब भी अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े और अगर मैं रहूँगा तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा और तुम मेरे पास आना एक बार। हर एक चीज़ इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत है कि आज भी लोग इनके दीवाने हैं। जी हाँ, ये जोड़ी कब दिमाग से स्टार्ट हुई, दिमाग से शुरू हुई और दिल तक पहुंच गई। दिमाग से इसलिए क्योंकि बिग बॉस खेल ही ऐसा है, गेम्स होते हैं, दाव पेज होते हैं, स्ट्रेटजीज बनती है, वो घर ही वैसा होता है, लेकिन यहाँ पर एक रिश्ता बना जो कि कब दिल तक उतर गया, फैंस के दिलों तक कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। और सच तो ये है कि जो इन्हें नहीं भी पसंद करते थे, जो इनसे नफरत करते थे या जो इन्हें नहीं चाहते थे, उन्हें देखते देखते कब प्यार हो गया उन्हें खुद नहीं पता चला। और अगर आज की डेट की बात करें तो आज भी ऐसा ही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हें नहीं भी चाहते हैं पर कब इनसे प्यार हो जाता है, चाहे वो दूसरे फैंडम्स के ही लोग क्यों ना हो। कई बार देखा गया है कि उन्होंने खुद अपने प्यार का इजहार सिद्धार्थ शहनाज सडनास के लिए किया है कि भाई ये दोनों वाकई में बहुत प्यारे हैं और मेड फॉर ईच अदर हैं। और जो लोग कहते हैं कि सिद्धार्थ शहनाज एक नहीं हो सकते या एक नहीं होंगे और पता नहीं कितने तरह के रीज़न बनाकर अपने दिल को समझाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को बरगलाने की और अपने दिल को समझाने की, लेकिन ना तो दूसरों को बरगला पाते हैं और ना ही अपने दिल को समझा पाते हैं, क्योंकि ये जोड़ी ना तो कभी टूटी थी और ना ही कभी टूटेगी। जी हाँ, दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, साथ थे हैं और हमेशा हमेशा रहेंगे। और हम आपसे भी यही होप करते हैं कि इसी तरह दिनों दिन आप अपना प्यार सिद्धार्थ शहनाज सडनास के लिए बेसिकली बढ़ाते जाएंगे, और ये वीडियो सडनास की यादों के नाम आप लोगों के लिए एक प्यारा सा पैगाम। जी हाँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।